केंद्र सरकार का एससी एसटी कानून शिवराज सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। सूबे के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं सूबे के सीएम की ओर चप्पल और पत्थर उछाले जा रहे हैं, तो कहीं वोट नहीं देने की अपील की जा रही है। सीधी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर चप्पल फेंका गया। सुरक्षाकर्मी सतर्क थे, मुख्यमंत्री बाल बाल बचे। शिवराज का जन आशीर्वाद यात्रा रथ जैसे ही चुरहट पहुंचा, लोगों ने काले झंडे लहराने शुरू कर दिए। लोगों का गुस्सा एससी एसटी एक्ट को लेकर बीजेपी के रुख से है। भीड़ में से कुछ लोगों ने शिवराज के रथ पर पत्थर फेंके। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन बस का कांच टूट गया। जो लोग पकड़े गए हैं वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस के मित्रों ने पिछले कुछ दिनों से जैसी राजनीति प्रारंभ की है वो लोकतंत्र के लिए भी शुभ नहीं है। आनंद फानंद में पुलिस ने भी 8 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि चुरहट में मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश की गई थी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भेष बदल के आजाके पत्थरबाजी करेंगे, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। इस तरह से ये समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से हो रही हैं। कहीं काले झंडे हो रहे हैं, कहीं पत्थर भी फेंक रहा, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ आक्रोश की तस्वीरें खरगोन में भी दिखी। एससी एसटी एक्ट पर बीजेपी के रुख से नाराज कारोबारियों ने चंदे की रकम तक वापस ले ली। खरगोन के कारोबारियों ने घरों के बाहर पोस्टर तक चिपका दिए कि अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सतना में तो एससी एसटी कानून के विरोध में ग्राम विकास समिति के सवर्ण सदस्यों ने सिर मुंडवाए और पानी के भीतर आधे घंटे तक जल सत्याग्रह किया। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे ही एससी एसटी कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो एनडीए सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।